ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा हुआ है, जिसी के तहत पुलिस के गुप्तचर जगह जगह पर तैनात हैं, जो कि लगातार नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगे हुए हैं। आम जनता भी अब पुलिस की इस मुहिम में मदद करने में लगी हुई है। यही कारण है कि एक दिन में पुलिस ने 4 मामलों में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चिट्टा बरामद किया गया। सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत पुलिस ने गुप्तचर जगह जगह पर तैनात किए हुए हैं, जो लगातार नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगे हैं। आम जनता भी अब पुलिस की इस मुहिम में मदद कर रही है। यही कारण है कि एक दिन में पुलिस ने 4 मामलों में से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास चिट्टा भी बरामद किया गया है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने एक ट्रक चालक के पास 0.81 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं अलग अलग 2 मामलों में 2 युवक पीठ पर बैग टांग कर जा रहे थे, तो पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस को दोनों पर शक हुआ। जब बैग की जांच की गई तो उसमें 3.78 ग्राम और 1.10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। सभी को हिरासत में ले लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी सर की लीडरशिप में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान यहाँ पे छेड़ रखा गया है। इसी मुहिम में पिछले कल हमारे पास सोलन थाना में 4 केसेस एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हुए, जिनमें पहला जो केस है, इसमें हमारा चौकी इंचार्ज सिटी भूम प्रकाश, जब ये गश्त पे मौजूद थे लगभग 4:15 बजे चंबा घाट के पास, तो वहाँ पे किसी से सूचना मिली कि एक मिस्टर महेंद्र ठाकुर है, जो कि बेसिकली बेर खाटला का रहने वाला है और ये लोगों को हीरोइन बेचता है और इसके टिप्पर में ये बैठा है अभी, और इसके पास जो है चिट्टा हीरोइन जिसको बोलते हैं वो हो सकती है। इस पे इसके टिप्पर की गवाहों के सामने जब तलाशी ली गई तो उसमें 0.85 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। इस पे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया और उपरोक्त व्यक्ति जो था इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। इसके अलावा एक और हमारी टीम जब रात को डमरोग रोड पे लगभग 8:30 बजे गश्त कर रही थी, तो वहाँ पे एक व्यक्ति पुलिस की टीम को देख के थोड़ा घबरा गया और उसने एक पिट्ठू बैग अपने बैग पे लगाया हुआ था। इसको जब एम्प्लॉयज़ की हेल्प से रोका गया और इस कैरी बैग की तलाशी ली गई तो इसमें से 3.78 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। और इस व्यक्ति ने अपना नाम पूछने पे कपिल देव शर्मा बताया, ये चौपाल का रहने वाला है। व्यक्ति जिसका नाम सतीश कुमार है और आंझी का रहने वाला है, ये वहाँ से पैदल जा रहा था सड़क से और पुलिस की टीम को देख के थोड़ा हड़बड़ा गया। इसने भी कैरी बैग अपनी बैग पे लगाया था। इसको जब इसको रोका गया और शक के आधार पर उस कैरी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.11 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। इसमें भी एनडीपीएस एक्ट का केस के तहत केस दर्ज किया गया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन सारे केसेस में चल रही है।